सरकारें लेना और लेना जानती हैं, देना और देना नहीं जानती हैं। टीचर्स ने हिंदुस्तान की आजादी के आंदोलन में बखूबी भूमिका निभाई, विद्यार्थियों की में भी अलग जगाई, विद्यार्थियों के आंदोलन को भी आगे बढ़ाया और हम समझते हैं कि आज हमारे सामने मौका है देश की आजादी की हिफाजत करने का, आज हमारे सामने मौका है देश की संप्रभुता को बचाने का, आज हमारे सामने मौका है देश के संविधान को बचाने का। आज की तारीख में सारी शिक्षा का बाजारीकरण हो रहा है और जो सरकार कर रही है जिस ढंग से, वो धीरे धीरे जो गरीब लोग हैं उन तक की शिक्षा खत्म हो जाएगी। Thousands of teachers from universities and colleges all across India have come out on the streets to save education. They are determined to take a stand against this government's anti-educational policies, which will have a drastic effect on students and teachers alike. हमारे जो गवर्नमेंट ने जो पे कमीशन दिया है, अभी इंडिपेंडेंस के बाद ये सबसे खराब और सबसे कम ये जो पे कमीशन दिया है। हमारे प्रमोशन नहीं हो रहे, हमारे अपॉइंटमेंट्स नहीं हो रहे, पिछले कई सालों से हमारी सारे के सारे अपॉइंटमेंट्स बंद है, ये क्या तरीका है? कि हमारे गवर्नमेंट कॉलेजेस में सरकार ने एक नया एजेंडा लाया है सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज, तो जे हमारे एक गवर्नमेंट कोर्सेज की फीस 10,000 है तो सेल्फ फाइनेंस कोर्स की फीस 50,000 है, तो सरकार अपनी लायबिलिटी छोड़कर उनको सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज में डाल रही है सभी कोर्सेज को, तो ऐसे हमारे बच्चे जो गरीब सेक्टर के बच्चे हैं, मजदूर का बच्चा है, किसान का बच्चा है, वो कैसे पढ़ पाएगा? पहले ही पॉवर्टी तो डे बाई डे बढ़ती जा रही है। वी गेट स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल सेक्शंस ऑफ इंडिया एंड देयरफॉर इफ वी एक्सपेक्ट if you're expected to generate money on our own as educational institutions, one of the ways would be to probably charge higher fee, and we just can't do that. We can't expect students to spend much more than they already are. Je agar bacche ne paise dekar apna teacher aap rakhna hai to sarkar kahan hai, सरकार की ड्यूटी कहाँ है? इनका एक मेन मकसद ये है कि गवर्नमेंट जॉब से वो खत्म करके प्राइवेटाइजेशन और कॉमर्शलाइजेशन कर दे और वहाँ पर वही बच्चे पढ़े जिनके पास पैसा होगा। Because of all these sort of schemes that the government has come up with, because of the lowering of the fund that education gets in India, we're going towards a place where either like private college will only exist. Only students who are able to afford that will go. Students who aren't able to afford that will literally have to sell themselves. हम दिल्ली विश्वविद्यालय में जिन बच्चों को पढ़ाते हैं वो बहुत कमजोर बैकग्राउंड से आते हैं, वो दलित पिछड़े आदिवासी अल्पसंख्यक बैकग्राउंड से होते हैं, आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं। जब ये 70-30 का आंकड़ा ले आएंगे, निजीकरण ले आएंगे, तो ये सारा निजी हाथों में चला जाएगा और यही फीस जो आज 10,000 है वो 5 लाख हो जाएगी। हम ये नहीं करने देंगे क्योंकि ये एंटी एजुकेशन है, टोटली एंटी स्टूडेंट, एंटी सोसाइटी है, एंटी टीचर तो है ही है ये। Us, it won't affect us that much because we can afford a hike in our fees. But there are students in Delhi University who cannot. So that's like a major chunk of kids. We know for our own class, like there are a lot of people that came here because the fees of Delhi University are not that much, and they can actually, their parents can afford it. So you will be stuck in low level, you know, skill based jobs, and even the notional idea that you can rise above your station is not going to be there. So it's actually going to institute a new caste system in which the poor do skill kind of job and only the privileged go to privileged universities. All staff associations of Delhi University will be meeting on the 24th. We are having a general body meeting on the 27th where we will decide on our next plan of action. लोगों को बता दीजिए, अंग्रेजों की दलाली की थी, आज कुर्सी पे बैठ गए हो, लेकिन याद रखो आजाद हिंदुस्तान के लोग तुमको टॉलरेट नहीं करेंगे अगर इन्हीं रास्तों पे जाते रहोगे।